नमस्कार दोस्तों, समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी की परीक्षा 8 अप्रैल को संपन्न हो चुकी है। छात्रों को इस समय कट ऑफ का इंतजार है, उसके बाद रिजल्ट का इंतजार होगा। लेकिन जो लोग हमारे चैनल से कट ऑफ मिला लें, आसपास हैं, वो लोग मेंस मेंस की तैयारी शुरू कर दें। मेंस का सिलेबस देखने बहुत सीधा साधा है, लेकिन उसको समझना बहुत ज़रूरी है। इतने खंड है उसमें, इतने खंड उसके टाइप्स हैं कि उसको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं। पहले हिंदी के पेपर से, पहला हिंदी का एक पेपर होगा सामान्य हिंदी एवं आलेखन। सामान्य हिंदी एवं आलेखन में दो खंड होंगे। इसके पहले खंड की बात हम लोग करते हैं। 100 नंबर का पेपर होगा, 2.5 घंटा समय होगा। पहला क्वेश्चन, एक गद्यांश पैराग्राफ आपको दिया होगा, उसका टाइटल बताना होगा जो कि 3 नंबर का होता है। फिर आपको उस पैराग्राफ का सारांश, सारांश मीन्स प्रेसिस। प्रेसिस हमेशा टोटल पैराग्राफ के 1/3 वर्ड का होता है। अगर 600 शब्दों का पैराग्राफ है तो आपको 200 वर्डों में लिखना होता है, उसे प्रेसिस बोलते हैं। प्रेसिस में कभी भी ये नहीं देखा जाता है कि आप, कुछ लोग करते क्या, वो पैराग्राफ को छाट छाट के लिख देते हैं तो कुछ नहीं मिलता है। मूल भाव वही हो, जैसे आप टीवी सीरियल देखते हैं और पीछे हफ्ते पिछले दिन की स्टोरी दिखाते हैं, कल देखेंगे या कल हुआ था, तो पूरे आधा घंटा के एपिसोड को 1 मिनट में दिखा देते हैं, थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट करके, कि आपको समझ में आ जाए कि कल क्या क्या हुआ था, और पूरा कुछ भी नहीं दिखाते। तो प्रेसिस सारांश होता है, ये 6 नंबर का होता है। फिर पैराग्राफ में 3 जगह रेखांकित लाइनें होंगी और उनकी व्याख्या करनी होगी, प्रत्येक 4 4 नंबर की होंगी। अंडरलाइन होगी लाइनें, उनको व्याख्या करनी होगी, उनका भावार्थ लिखना होगा और वो 4 4 नंबर के होंगे। तो इस प्रकार पहले खंड में 12 6 18 3 21 21 नंबर का एक गद्यांश रहता है। फिर देखिए दोस्तों, दूसरा रहता है दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी सारांश लेखन। एक सरकारी पत्र आपको दिया होगा, उसका सारणी सारांश में क्या होता है कि 1/3 सारांश मतलब प्रेसिस, पूरे पैराग्राफ जितने भी वर्ड यूज हो रहे हो लेटर में, उसको 1/3 में लिखना होता है। सारणी क्या होता है, आपको ऐसे आपको सारणी बनानी होती है, ऐसे ऐसे, ठीक है, और इसमें वर्ड लिखने होते हैं। ये टोटल 15 नंबर का होता है। फिर तीसरा क्वेश्चन होता है पत्राचार, लेटर राइटिंग, जिसमें सरकारी अर्ध सरकारी लेटर 8 नंबर का, कार्यालय आदेश परिपत्र आदि 8 नंबर का, विज्ञप्ति प्रतिवेदन 8 नंबर का, टोटल 24 नंबर का रहता है। तो अभी तक आपने देख लिया, गद्यांश रहेगा 21 नंबर का, जिसमें 3 नंबर का शीर्षक, सारांश 6 नंबर का, रेखांकित अंशों की व्याख्या 12 नंबर का। फिर सरकारी पत्रों का सारणी लेखन, सारांश होता है प्रेसिस, फिर पत्राचार 24 नंबर का। उसके बाद पारिभाषिक शब्दावली रहते हैं। पारिभाषिक शब्दावली में दोस्तों देख लेते हैं हम लोग क्या क्या होता है। पारिभाषिक शब्दावली क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 5 शब्द ऐसे दिए जाएंगे, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश में चेंज करना होगा 10 नंबर का। फिर 5 वर्ड होंगे जिनको इंग्लिश से हिंदी में चेंज करना होगा, 10 नंबर का। मुहावरा एवं लोकोक्तियां, ये होगा आपका 10 नंबर का। और 10 नंबर कंप्यूटर ज्ञान, इसमें कंप्यूटर भी आएगा, कंप्यूटर ज्ञान भी 10 नंबर का होता है। तो 10 नंबर लास्ट क्वेश्चन में 10 नंबर के 5 वर्ड आएंगे जिनको हिंदी से इंग्लिश में चेंज करना होगा, 10 शब्द रहेंगे जिनको इंग्लिश से हिंदी में चेंज करना होगा,
10 नंबर के 5 मुहावरे लोकतियां रहेंगी और 10 नंबर के कंप्यूटर ज्ञान रहेगा। ये पहले खंड में हुआ। अब हम लोग सेकंड खंड की बात करते हैं, सामान्य हिंदी एवं आलेखन के सेकंड खंड की। खंड ये खंड वन सब्जेक्टिव होता है, ये ऑब्जेक्टिव होगा। मतलब आपको प्री की तरह OMR में ही फिल करना होता है। समय होता है आधा घंटा। ठीक है, 5 टॉपिक कवर किए जाते हैं। विलोम, अनेक शब्दों का एक शब्द, तत्सम, तत्भव, विशेष, विशेषण, तो देखिए सब टॉपिक आपको प्री में मिल जा रहे थे। और लास्ट टॉपिक आपका आता है वाक्य वर्तनी एवं वर्तनी शुद्धि। ये 5 टॉपिक रहेंगे, इनका ऑब्जेक्टिव होगा, OMR शीट मिलेगी, आधे घंटे का समय होगा और 12 12 नंबर के होंगे, 12 मार्क्स। ये भी आपका 12 मार्क्स का होगा, ये भी 12 मार्क्स का, ये भी 12 मार्क्स का, ये भी 12 मार्क्स का। ये पूरा सेक्शन 60 अंक का होता है। जिस प्रकार आपने देखा हिंदी से कि आपकी हिंदी, ये हिंदी का सिलेबस हो गया 120। ठीक है हिंदी, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। ऐसे निबंध, तीन निबंध आते हैं, प्रत्येक 40 अंक का होता है, टोटल 120 मार्क्स का ऐसे होता है। तीन निबंध लिखने होते हैं, तीन सेक्शन दिए जाते हैं, सबसे एक एक टॉपिक पे निबंध लिखना होता है, सब 40 40 अंक के होते हैं, टोटल 120 नंबर के होते हैं। तो देख लीजिए किससे कौन सा पूछा जाता है। पहला खंड होता है साहित्य सामाजिक क्षेत्र से, एक पार्ट में साहित्य, राजनीति और सामाजिक क्षेत्र से टॉपिक होंगे, उनमें से किसी एक पे निबंध लिखना होगा। दूसरे टॉपिक पे आपको मिलेगा पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार। कृषि एवं व्यापार, तो निबंध से तीन निबंध लिखने होते हैं, तीन खंड होते हैं इससे। प्रत्येक खंड से एक टॉपिक सिलेक्ट करना होता है। पहले खंड से साहित्य, राजनीति, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए फिर पॉइंट शीर्षक रहते हैं, उस पर निबंध लिखना होता है। दूसरे खंड में पर्यावरण, आर्थिक क्षेत्र, कृषि व्यापार से, और तीसरे पार्ट में अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं।
सेकंड रहता है प्राकृतिक आपदाएं, और थर्ड रहता है हमारा राष्ट्रीय विकास योजनाएं। तो ये तीन टॉपिक रहेंगे थर्ड पार्ट में, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, प्राकृतिक आपदाएं, राष्ट्रीय विकास योजनाएं। इन तीन टॉपिक से एक एक सेलेक्ट करना होता है, 40-40 नंबर।